A train mishap being reported now from Bihar. Rajya Rani Express apparently runs over pilgrims in the Dhamhara station in Khagaria. The train Saharsa to Patna, and when it reached the Dhamhara station in Khagaria district, got down from the passenger train at the station and they were crossing a railway track. Meanwhile, the Rajya Rani Express arrived and ran over the pilgrims. These are the reports, initial reports. These that pilgrims were going to Saharsa to offer prayers at a Shiv temple on the last Monday of Sawan. That we're getting right now is that at least 10 to 15 people have killed in this absolute tragic incident. और सारा काम अभी हमने रेल से ही शुरू किया हुआ है और जो मंडल रेल प्रबंधक हैं समस्तीपुर के मिस्टर मलिक वो भी पहुंचने वाले हैं. महाप्रबंधक भी पटना से निकल चुके हैं और इस हादसे में जो राहत और रिलीफ के काम को पूरा बखूबी अंजाम देने के लिए. So this incident you're saying happened at 9:10. We believe that this was a halt essentially. It was not a stopover at that station, right? So if you can just elaborate and tell the same thing in English, please. This station is a station in which they were already standing because they were supposed to stop there. A run-through train, which was a mail express super-fast train, was made to pass through as per the schedule, and the passengers got out of the train, came on the track, and they were moving on that track. That is the time when this train came and got run over. So you're saying that as far as the railways is concerned, you don't hold yourself responsible for this accident. People who were on the track, they were run over by the railways. It's not the right moment to talk of responsibility at this stage. The primary focus is on relief, rescue, and medical efforts required to improve, to bring back and give medical attention to the people who got injured. Prima facie, you are right that this being a trespass case, and normally we will not expect passengers, and we have been advertising and educating our passengers not to come on the tracks where they are not supposed to be. But it's too early to comment on that. कितने लोगों की मौत कुछ आंकड़े आप लोगों के पास हैं या कितने घायल हैं ऐसी कोई संख्या आप तक पता चल पाई है सर? सही आंकड़े अभी हमें मिले नहीं हैं क्योंकि हमारे अधिकारी और कर्मचारी पहुंच के डिसाइड करेंगे देखेंगे कितने लोगों की इसमें हादसे में जान गई है. लेकिन ये एक दुखद घटना है और इसको उसी तरीके से जो कि राहत कार्य पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं. 2 घंटे के ड्राइवर और बाकी कर्मचारियों को भी वहाँ पर स्थानीय लोगों ने पदार्थ पिटाई की बंधक बनाया कुछ इस तरह की जानकारी जी. बोगियों में आग लगा दी ऐसी भी कोई घटना है क्या? ये रेलवे सूचना अभी आ रही है कि ट्रेन में भी तोड़फोड़ और आग देने की बात हुई है. कितने हद तक ये बात हुई है ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा. तो कितना एक्सपेक्टेड है? 2 घंटा ऑलरेडी वक्त हो चुका है बरौनी और जो दूसरी आपकी रेलवे समस्तीपुर से गई है तो इसमें ऐसा देखें क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की इस समय समस्या है तो हमने जो स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस के लोगों को लेना है इसकी वजह से थोड़े समय सहरसा में लोडिंग में आदमियों को समय लगा लेकिन मुश्किल से 10 मिनट के अंदर सब लोग वहाँ साइड पे पहुंच जाएंगे सहरसा की तरफ से. इसका लास्ट सवाल जैसे आप खुद कह रहे हैं कि मेला था बहुत ज्यादा रश था ओवर क्राउडेड था लोग तो ये लोकल इनपुट क्या आपके स्टेशन मास्टर से नहीं मिल रहा था कि ट्रैक पर लोग आ रहे हैं उस ट्रेन को रोकना चाह रहे हैं और जिसकी वजह से ट्रेन नहीं रुकी हालांकि उस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था वहाँ पे लेकिन इन इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस वो लोग रोकना चाह रहे थे और जिसकी वजह से ट्रेन रुकी नहीं और उसकी वजह से पूरा चलती गाड़ी ट्रेन को पैसेंजर हाथ दिखाएं तो ऐसे तो ट्रेन नहीं रुकती है. लेकिन उस जगह पर 2 ट्रेनें पहले से रुकी हुई हैं वो इसीलिए रुकी हुई है कि वहाँ के जितने यात्रियों को बैठा के ले जाया जा सके और पता था कि ट्रेन आने वाली लेकिन जब हादसे में ऐसी बात हो गई तो बाद में बात करना जो है. सर ट्रेन ड्राइवर और कर्मचारी जिनको बंधक बनाया था वो लोग सुरक्षित है उनकी कोई जानकारी? ट्रेन ड्राइवर की इसमें तकलीफ है उनको